हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लासेस। तो आज हम आ गए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जिनकी डिमांड पे हमने ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाया है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, क्योंकि आपकी डिमांड थी, आपका बहुत ज्यादा क्यूरीज था कि माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, है ना। तो यहाँ पर हमने माइक्रोबायोलॉजी 2024 एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। बट फिर भी मैं ये कहूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये क्वेश्चंस पढ़ के जाएं, आपको पूरा सिलेबस पढ़कर जाना है, पूरा सिलेबस कवर अप करना है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए तो कौन से टॉपिक है, और एक चीज इसको पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से आपका आता है डिस्क्राइब कोच पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पे कोच पोस्टुलेट्स के जो भी कैसे डिस्क्राइब किया है, जो भी उनके सिद्धांत थे, है ना, वो चीजों को यहाँ पर आपको बताना है। लाइक कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे आप किस मेथड का यूज करके आप अलग जो भी है वो करेंगे, है ना। तो वो सारा चीजों के बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद डिस्क्राइब वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रो बायोलॉजी का जो भी वेरियस प्रिंसिपल्स है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, पहले आपको क्या करना, थोड़ा सा माइक्रो बायोलॉजी के बारे में वहां पर बता देंगे या उसका डेफिनेशन दे दो। यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल्स पूछा है, तो अगर ये मार्क्स ज्यादा मार्क्स का 3 to 4 मार्क्स के भी आते हैं, तो एक डेफिनेशंस लिख दो, उसके बाद आप प्रिंसिपल्स लिख दो। तो ये आपका लॉन्ग टाइप में आ सकता है, यानी कि शॉर्ट में तो नहीं आएगा, प्रिंसिपल्स है। फिर भी अगर आता 4-5 मार्क्स का तो आप एक डेफिनेशंस लिख के फिर प्रिंसिपल्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स ऑन में आपको पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन और हेल्थ एंड इम्यूनिटी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड जो है आपका वो क्या है, आपका राइट द डिफरेंसेस, है ना। यहाँ पर हमने यूनिट सेकंड की बात की है, राइट द डिफरेंसेस। सेकेंड यूनिट में जो है आपका राइट द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, है ना। सेकेंड यूनिट में आपको वायरस और बैक्टीरिया जो है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। भाई दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों से ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर वगैरह वो अलग होंगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है, डिफरेंसेस बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है फंगाई और बैक्टीरिया, यानी जो फंजाई होते हैं, फंजाई या फंगी जो भी बोलेंगे आप, वो बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे अलग है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब करेंगे इसको। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशंस के बारे में बोला गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या स्ट्रक्चर और क्या क्लासिफिकेशंस है, तो आपको यहाँ पर वो सारा चीज मेंशन करना है। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आएगा ये। ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल कैप्सूल्स के बारे में आपको बताना है कि बैक्टीरियल कैप्सूल्स क्या होते हैं। शॉर्ट नोट्स है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम कम भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में पूरा आंसर खत्म। भाई शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं होता, नर्सिंग में आपको जितना लिखते हैं लिखना है, लेकिन क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, मन में डाउट रहता है कि जितना लिखेंगे उतना मार्क्स मिलेगा, तो ये डाउट्स को क्लियर कर लो कि एक आपको क्वालिटी पे फोकस करना है ना। जो एक पर्सन 10 लाइन लिख रहा है, उस चीज को करने में अगर आप 5 लाइन में सही शब्दों में लिख रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बैक्टीरियल कैप्सूल्स के बारे में। नेक्स्ट जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के, क्या एग, छोटे छोटे स्पोर्स जो रहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, फ्लैजेला के बारे में है, बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में है, तो ये सब चीज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है शॉर्ट नोट्स में। क्लियर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच फेस ऑफ ग्रोथ डज नॉट स्पोरुलेशन अकर। ठीक है, तो स्पोरुलेशन अकर, जो स्पोरुलेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर ऑन बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि फॉलोइंग फैक्टर्स का क्या जो बैक्टीरियल ग्रोथ पे क्या फैक्टर जो भी है वो कर रहे हैं इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर इफेक्ट के बारे में लिखना है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है बैक्टीरियल ग्रोथ में, मॉइस्चर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है बैक्टीरियल ग्रोथ में। तो मॉइस्चर्स के टाइम पे तो बैक्टीरिया को और ग्रोथ करने का एक जरिया मिल जाता है, तो उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के बारे में आपको क्या बैक्टीरियल पे क्या इफेक्ट डाल रहा है ग्रोथ पे, इन सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्राइब, वैसे वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने बोला। इसके बाद है डिस्क्राइब मिनिमम एंड एसेंशियल ग्रोथ रिक्रूटमेंट्स फॉर बैक्टीरिया। तो जो एसेंशियल और आपका मिनिमम दोनों ही ग्रोथ रिक्रूटमेंट्स के बारे में बैक्टीरिया का आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये सारे प्रोसीजर्स है जिनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। प्रोसीजर है आपका ग्राम स्ट्रेनिंग है ना, उसके बाद है एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग, ZN स्ट्रेनिंग, ये आपका एल्बर्ट स्ट्रेनिंग। तो स्ट्रेनिंग का आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रोसीजर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपका डिस्क्राइब वेरियस बायोकेमिकल मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बैक्टीरिया का जो भी मेथड्स है ना, वो वेरियस बायोकेमिकल मेथड्स आपको यहाँ पर आंसर में लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो कल्चर मीडिया के ऊपर है। कल्चर मीडिया के ऊपर आपका शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो वो आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो ज्यादा बड़े नहीं होंगे, थोड़ा आप लिमिट में लिखेंगे, टाइम को मैनेज करके चलना है भाई। 3 घंटे में आपको सारा चीज लिखना है, तो टाइम पहले आप देखेंगे, मैनेज करेंगे, उसके बाद उन वर्ड्स को जो भी है आप लिख रहे हैं उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, है ना। ऐसा ना हो क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चों के साथ एक जो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम हम आपको अगर बताएं तो वो एक ही आंसर को पूरा लंबा लिखते चले जाते हैं, तो ये गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 डिस्क्राइब द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। तो न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ये दो फैमिली जो है, ये फैमिली के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा मतलब कांटेक्ट होता रहता है उनका, तो इसकी वजह से बच्चे और जो वेलरेबल ग्रुप्स है वो क्या हो जाते हैं, इससे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एंटेरोकोकस फेकेलिस। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस में आते हैं डिस्कस इन ब्रीफ द पैथोजेनेसिस ऑफ, ये आपका डिप्थेराई का है ना, क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थेराई, एज वेल एज इट्स इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, तो इसका इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस और उसका पैथोजेनेसिस, कैसे वो हार्म कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो सारा चीज। जब भी पैथोजेनेसिस लिखेंगे थोड़ा सा फ्लो चार्ट में लिखो, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अल्बर्ट स्टेनिंग, जो आपका फिर से आ गया है। ठीक है, जितने भी स्टेनिंग थे, ZN स्टेनिंग, एस्कोलिस टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट और मेंटोक्स टेस्ट। मेंटोक्स टेस्ट तो आप जानते ही हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है ना मेंटोक्स टेस्ट, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ओके, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड TB। ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, नाइजेरिया गोनोकोकस, मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, लिखना होगा। क्लियर। उसके बाद विडाल टेस्ट जो है उसके बारे में आपको लिखना है, लैक्टोस फॉर्मेटिंग बैसिलाई के बारे में, स्यूडोमोनास ऑर्गेनोसा के बारे में लिखना है और एंट्रिक फीवर के बारे में लिखना है, तो ये सारा चीज आपको लिखना होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आया, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। इसके बाद डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वुपिंग कफ। वुपिंग कफ को क्या बोलते हैं, 100 days कफ भी बोला जाता है ना, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। VD और विड्रॉल टेस्ट है, उसके बाद सिफिलिस, लिम्फ डिजीज और वेल्स डिजीज, इन सारे चीजों के बारे में शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना होगा। क्लियर। तो ये आपके माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है राइट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड सोर्सेस ऑफ HIV, यानी क्या मोड्स है HIV के फैलने का, किस मोड से वो फैल रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट्स में ELISA के बारे में, वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में, ये दोनों टेस्ट के बारे में आपको बताना होगा। एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ पोलियो वायरस। तो कैसे उसका लेबोरेटरी करेंगे और क्या पैथोजेनेसिस है पोलियो वायरस का, ये आपको मेंशन करना होगा क्वेश्चन जब भी ऐसा आता है तो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इन ब्रीफ। तो फंजाई का जो भी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो आपने पढ़ा ही है, वो चीज आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर डिफाइन वेक्टर, वेक्टर जो है उसके बारे में डिफाइन करना, डेफिनेशंस देना, उसके बाद डिस्क्राइब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस एंड टाइप्स ऑफ प्लेग डिजीज इन डिटेल्स। तो प्लेग डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, किस मोड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके डिटेल्स में आपको वो चीजें लिखनी है, क्लियर। तो ये लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस में आ सकता है। चलिए, अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको डिटेल में पूछा गया है, ठीक है। इनेट या एक्वायर्ड जो भी चीज पूछा जाएगा उतना आंसर लिखना है। ज्यादा लिखने के चक्कर में ये मत कर देना कि जो नहीं पूछा जा रहा वो भी लिख दिए, है ना, वो मत करना। सिर्फ बोला है डिस्क्राइब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो उस पर फोकस करना, ठीक है। इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये सारे इम्यूनिटी में आपने पढ़ा होगा, कौन कौन सी इम्यूनिटी, कैसी इम्यूनिटी है, ये सारी चीजों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड जो है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी है आपका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंसेस लिखने हैं, क्लियर। इसके बाद है आपका एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। तो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो डिफाइन करना है एंटीबॉडीज को, डिस्क्राइब करना है क्लासिफिकेशन एंटीबॉडीज का, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिखेंगे, मतलब इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, IGM, IGG, IGA, IGE, इसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे वो है आपके डिफाइन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, जिसमें वेरियस टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को आपको वहां पर मेंशन करना होगा, लिखना होगा, क्लियर। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स में आपका एग्लूटिनेशंस रिएक्शंस, प्रिसिपिटेशंस रिएक्शंस, CFT और एलाइजा टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्लियर। हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में लिखना है, हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्क्राइब करना है डिटेल में, उनका टाइप्स वगैरह क्या है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एनाफाइलेक्सिस के आते हैं, ठीक है, एटोफी के आएंगे, मेंटोक्स टेस्ट और टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस एंड वैक्सीन, इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस और वैक्सीन के बारे में डिफाइन इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस, डिस्क्राइब द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस, तो ये आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ वैक्सीन, यानी कि आपको डिफाइन भी करना है और उसके बारे में जो भी वेरियस टाइप के वैक्सीन है उसको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को समझते हुए आंसर लिखेंगे। इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, कोल्ड चेन इक्विपमेंट और एंटीन्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है हमने बता दिए हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज, आंसर लिखने के लिए जब भी आंसर लिखेंगे जितने शब्दों की जरूरत है, यानी जितना लिखना है उतना ही लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में जब हम भी थे, हमसे एक गलती हुई थी कि टिश्यू और सेल्स आया था एनाटॉमी फिजियो में, हमने क्या किया था, काफी लंबा चौड़ा है ना फिजियो में, हमने सेल्स और टिश्यू के बारे में लिखा था, लेकिन आपको इससे एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं, है ना। तो वहां पर आपको एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस को अगर 25 मिनट्स देना तो उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। 20-25 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग टाइप का है हो जाना चाहिए, 15 मिनट्स में आपके शॉर्ट आंसर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपको आंसर लिखना है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स ले ले, मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।